नमस्ते हेलो आई एम वेंकट श्रीनिवासु मंडवा वर्किंग एज ए सेकेंडरी ग्रेड टीचर एट मंडल परिषद मॉडल प्राइमरी स्कूल नेपल्ली विलेज कंकीपाड़ मंडल कृष्णा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश स्टेट आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय जीरो इन्वेस्टमेंट आइडिया. My zero investment idea is dramatization. My zero investment idea dramatization needs teaching learning material really zero, because only classroom situation can be used for the dramatization. Children or the students in the classroom can be used in my idea. My idea dramatization is very effective while teaching languages, especially stories, and also non-languages difficult topics. I am Venkat Srinivasu Mandava, working as secondary grade teacher at Mandal Parishad Model Primary School, Nepali Village, Kankipadu Mandal, Krishna District, Andhra Pradesh State. My topic is dramatization. For my topic, dramatization, I am going to give you a demonstration. Now, start. Hey, I can recognize. Okay. Hey. Hey, and third eyes. I am the lion. I am the king. I am going to be umpire for your running race. Listen to me carefully. I am going to draw starting line. I am going to draw finish line. One who crosses the finish line first will be the winner. Okay? When I whistle, you must start your running race. Be ready? Opportunity provided by JIIEI. I am very thankful to Sri Aurobindo Society and HDFC Bank for organizing e-exhibitions for us. If you like my idea,
नमस्कार, मैं हूँ रीना गुप्ता, प्राथमिक विद्यालय दरियापुर, बीकेटी, लखनऊ से। मुझे अपने नवाचार के लिए शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIE द्वारा राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुका है, तो मैं इसी क्रम में आपको अपने टेलम दिखाती हूँ। ये मेरा न्यू इनोवेटिव मॉडल है, रोड साइड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। इसके थ्रू हम ये दिखा सकते हैं कि कैसे हम रोड पर होने वाली बारिश को यूटिलाइज कर सकते हैं, बारिश के पानी को। देखिए, इस तरह से ये रोड्स पे पानी बारिश का अगर आता है तो करना क्या है हमें कि रोड्स को सिर्फ पोरस बनाना है। इसके लिए जो है वही मेथड है, बस इसमें हमें कॉन्क्रीट को क्या करना है, जो RCC की जो पड़ती गुट के उनको क्रैक्ड फॉर्म में डालना है, जिससे ये रोड्स पोरस हो जाए और पानी यहाँ से सोख होकर, देखिए आप ये आगे आ रहा है और ये यहाँ आके इसमें ये कलेक्ट हो रहा है इस टैंक में। अब इसको हम आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक नल लगा हुआ है, तो यहाँ से ये पब्लिक यूज़ के लिए, इसको पीने के अलावा इस पानी को किसी भी काम में यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं, ये पानी निकल रहा है यहाँ से, तो इस पानी को आप आराम से किसी भी काम में आप यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी जो वाटर क्राइसिस है काफ़ी हद तक कंट्रोल होगी। इसके अलावा यहाँ से ये पानी जो है आप देख रहे हैं ये जा रहा है, ये रोड साइड जो गार्डन है उसको भी डेवलप करने में हेल्प करता है। तो और इसके बाद जब आप ये देख रहे हैं कि मैंने बनाया है वाटर लेवल, तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है पानी जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है और जब ये बियॉन्ड द लेवल जाएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ से इस पाइप से होता हुआ पानी देखिए आना शुरू हो गया है और पानी यहाँ से ये होता हुआ ज़मीन में चला जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज, इससे आपका ज़मीन का वाटर लेवल भी मेंटेन रहेगा। तो ये जो मेरा मॉडल है इसके बेसिकली तीन फायदे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो बारिश के पानी से होने वाली गंदगी है हम उससे काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं। दूसरा, ये देख रहे हैं आप ये ग्राउंड वाटर यहाँ से ये इसे इसमें मिक्स हो रहा पानी यहाँ से नीचे ज़मीन में जा रहा है डायरेक्ट, तो इससे हमारा वाटर लेवल मेंटेन रहता है। और तीसरी चीज़, जो वाटर क्राइसिस है उसको हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस मॉडल को आप आराम से, ये एक फ्यूचर मॉडल है, बच्चों को आप फ्यूचर सोच डेवलप कर सकते हैं और बच्चों को आप प्रेरित कर सकते हैं कि वो भी अपने घरों में किसी तरह से अपने खेतों में वो भी सोचे कोई सिस्टम कि बारिश के पानी को कैसे यूज़ किया जाए। इसके बाद मैं आपको ये मॉडल दिखाना चाहूँगी पिचर प्लांट का। ये एक इंसेक्टिवोर प्लांट है और इसे हम नेपेंथ्रिस भी बोलते हैं। तो इस मॉडल की हेल्प से बच्चे देख पाएंगे कि कैसा दिखता है और यानी कैसे कीड़ों को खाता है। तो देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ, जैसे ये इंसेक्ट आया और देखिए ये किस तरह से इंसेक्ट हो गया अंदर। देखिए एक बार मैं आपको और ये करके दिखाना चाहूँगी, देखिए ये इसमें मैंने मैग्नेट की हेल्प ली है और मैग्नेट की हेल्प से बच्चों को इसकी वर्किंग दिखाई गई है कि कैसे ये कीड़ों को पकड़ता है। ये इसका ओपन माउथ है और जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके कॉन्टेक्ट में आता है ये इस तरह से उनको स्टिक कर देता है अपने अंदर, तो इस तरह से ये कीड़ों को खाता है। तो ये मेरी हैंडमेड बुक है Who Am I, ये मेरा नया इनोवेशन है और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें एक बच्चा है और इसके ऊपर बहुत सारे नाम लिखे हैं। इसका मतलब है कि जब बच्चा कोई बॉर्न होता है तो उसका कोई नाम कोई पहचान नहीं होती है और जब हम बड़े होते हैं तो हमारा नाम ही हमारी पहचान बनता है। मैंने इसी चीज़ पर बुक में फोकस किया है और बेसिकली ये बुक आपको यही बताती है कि हमारे नाम की इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे ये बुक हेल्प करती है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, ये आपको मैं बताती हूँ। ये 6 आउटकम इससे आपको प्राप्त होते हैं। ये 2Z अल्फाबेट से रिलेटेड सभी पिक्चर्स बने हुए हैं और साथ ही साथ उनके सिनोनिम, उसका मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम और एक एक उसका फ्रेम सेंटेंस दिया हुआ है। तो बच्चे को फर्स्ट ऑफ ऑल ये इतना नॉलेज ये मिलेगी। दूसरी चीज, जैसे मैंने एक नाम ले लिया अंस, अब ए फॉर अब अगर आप देखेंगे तो इट इज़ अडोरेबल। इसी तरह बच्चों को बताया कि आपके नेम में ये सारी क्वालिटीज़ हैं तो बच्चा कहीं ना कहीं जो है उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये थॉट बिल्ड होने लगती है कि मेरे नाम में तो ये क्वालिटीज़ हैं ही हैं और वो इनको डेवलप करने की कोशिश करने लगता है। तो इससे क्या होता है, हम बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे मॉरल वैल्यूज से रिलेटेड मैसेज है तो इससे बच्चे में हम मॉरल वैल्यूज भी इंक्रीज कर सकते हैं, गर्ल एम्पावरमेंट पे भी बेस्ड है। बेसिकली आउटकम ये है कि आप बच्चे इससे अपने नाम की स्पेलिंग इजीली लर्न कर लें और अपने जो सबकॉन्शियस माइंड में है एक पॉजिटिव थॉट बिल्ड कर लेंगे और साथ साथ मॉरल वैल्यूज भी अपने अंदर इंक्रीज कर सकते हैं। और इस बुकलेट का जो इम्पैक्ट है वो छोटे पर ही नहीं बड़े लोगों पर भी होता है। जब जैसे ही वो अपने नाम के स्पेलिंग्स को कंप्लीट सारे मीनिंग्स जान लेते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और एक कॉन्फिडेंस ग्लो करने लगता है। नेक्स्ट मॉडल है मेरा वर्ड ATM।
ये एक एटीएम ऐसा है जहाँ पर वर्ड्स बनते हैं। ये मॉडल बेसिकली इसलिए बनाया गया है कि बच्चों को एटीएम मशीन बहुत पसंद होती है और बहुत एक्साइटेड रहते हैं उसमें उसको यूज़ करने के लिए। तो देखिए ये एटीएम कार्ड जैसे बने हुए हैं, तो इस तरह से आप बच्चों को अलग अलग टाइप के एटीएम कार्ड्स बना के रख लीजिए और दिखाइए रिलेटेड और मात्राओं से जोड़ते हुए इस तरह से आप इनको खींचिए, इसलिए बाहर आए कि इनको को रिलेट करते हुए आपको पढ़ाना है। जैसे आ की मात्रा है तो अप्पा और त्रा में आ की मात्रा है, इस तरह से देखिए आप आगे लेते जाइए। अब आ की मात्रा है तो देखिए ग में आ की मात्रा है, बन गया गाजर। बस इसी तरह से आप इसको बच्चों को खींचते हुए पढ़ाते जाएंगे। अब देखिए इसको मैंने थोड़ा सा डेकोरेटिव करने के लिए ये साइड गार्डन है और ये आप इन सब की चीज़ों की कोई एडिशनल आवश्यकता है नहीं है। बस ये आप इस तरह से कई सारे एटीएम कार्ड्स बना के रख लीजिए और इसके अलावा आप इसमें कुछ एडिशनल इस तरह से रोल्स बना के रख लीजिए और आप जो चाहें इसकी हेल्प से आप कोई भी आप सफिक्स है और आप सिंगुलर प्लूरल और बहुत और फोनिक साउंड इंग्लिश के सिंगुलर प्लूरल और वॉवेल्स और आर्टिकल्स ऐसी बहुत सारी आप हिंदी और इंग्लिश के सब्जेक्ट के टॉपिक हैं जो आप इसकी हेल्प से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ये मॉडल मल्टीपर्पज़ है हिंदी और इंग्लिश के सब्जेक्ट्स के लिए। या कोई सेल्फी पॉइंट टाइप का दिख रहा होगा बट इट इज़ नॉट अ सेल्फी पॉइंट, एक सपना है, एक जरिया है एक माँ के थ्रू उसकी बेटी की आंखों में देने का। देखिए मैंने अक्सर सुना था माओं से कि बेटियाँ पढ़ लिख कर क्या करेंगी, उन्हें आगे चलकर बर्तन ही मारना है, चूल्हा चौकी करना है। तो उनके इस माइंड सेट को चेंज करने के लिए मैंने इस पूरे मॉडल को डिज़ाइन किया। मैंने मदर्स को बुलाया और इस तरह से उनको ये अलग अलग पिक्चर्स दी और बोला, उनकी बेटी को बुलाया और इसके अंदर फेस बोला आप डाल कर खड़े हो जाइए और बोला कि उनकी मदर से आप अपनी बेटी को जिस भी रूप में देखना चाहती हैं, हाउसवाइफ या किसी जॉब में, डॉक्टर या जो भी, तो आप इसको ले जाकर और इस तरह से सामने अपनी बच्ची के सामने इस तरह से लगा दीजिए। और मुझे ताजुब हुआ देखकर कि किसी ने भी इस हाउसवाइफ को चूज़ नहीं किया है। इसका मतलब हर कोई अपनी बेटी को किसी न किसी पोस्ट पर देखना चाहता है। तो कहीं ना कहीं उस दिन हर किसी के माइंड सेट को मैंने चेंज करने का काम किया और उस माँ ने अपनी बेटी को भी कहीं ना कहीं प्रमोट किया, उसके अंदर भी उसकी आंखों में सपने दिए। यह आप देख सकते हैं ये इग्लू का 3D मॉडल है। इससे बच्चे डायरेक्ट इसको छू कर देख कर इसके 3D मॉडल को एग्जैक्टली समझ सकते हैं कि इग्लू होता क्या है। आप देख सकते हैं ये अंदर से इस तरह से हॉलो है, आप इसको दिखा सकते हैं। ये बच्चों को एक मॉडल है जिसके थ्रू आप स्टोरी के बच्चों को दिखाते हुए और उनको सिखा सकते हैं। जैसे एक फेरी निकल कर आती है और ये गर्ल को डेज के बारे में नहीं पता है, तो ये लेके जाती है प्लैनेट्स की दुनिया में और ये पेज टर्न करते ही दोनों पहुंच जाते हैं प्लैनेट्स के पास और ये गर्ल अलग अलग प्लैनेट से मिलते हुए डेज के बारे में पढ़ती है और उसे सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेती है और फिर ये वापस इस तरह से दोनों अर्थ पर आ जाते हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग स्टोरी दिखाने के लिए कि ये बहुत बड़ा थिंग और बहुत ही कलरफुल सा बच्चों को दिखता है तो बच्चे जल्दी ईजली सीखते हैं। और इसके सारे बॉडी पार्ट्स ओपनेबल है, ये देखिए इस तरह से ये हेयर और ये अंदर हेड और इस तरह से ये देखिए ये है पूरा फेस। तो इस ये एक वेस्ट पाइप से बना हुआ डेकोरेटिव मटेरियल है, कनेक्ट करके बच्चों को दिखा सकते हैं कि लाइट जिस साइड आती है अर्थ के उधर ये डे होता है और उसके जो ऑपोजिट साइड में नाइट। आप देख सकते हैं कि डेंचर है, हमारे कंप्लीट टीथ सेट है इसमें। इसके थ्रू आप बच्चों को टीथ के नेम और उनका शेप और उनके वर्किंग के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा मॉडल है तो बच्चे बहुत ईजली और बहुत ही बोल सकते हैं एक्साइटमेंट के साथ सीखते हैं। इसके अलावा इस तरह से आप ये इसमें इस तरह से जम्स डाल दीजिए और बच्चों को आप ब्रशिंग के मेथड भी इसके थ्रू इस तरह से बता सकते हैं कि कैसे हम ब्रश की क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे बच्चों को ब्रश करने के प्रॉपर तरीके होते हैं। तो ये मॉडल का यूटिलाइजेशन है। यह आप देख सकते हैं लैपटॉप का एक मॉडल है, ये कार्डबोर्ड से बना हुआ है। इसके थ्रू आप बच्चों को दिखा सकते हैं कि लैपटॉप किस तरह से दिखता है और बच्चे इसको खुद छू कर आराम से इसको समझ सकते हैं कैसा होता है, कैसे सकते हैं कि ये वेल का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो इसके थ्रू बच्चों को आप वेल की वर्किंग समझा सकते हैं। और ये वाटर साइकिल मॉडल भी है। आपने यहाँ जितने भी ये सब टेलर्स देखे ये सभी बेसिकली वेस्ट मटेरियल से बने सामान आता है, तो उसका जो कार्डबोर्ड का डिब्बा होता है ये सब उसी से बना हुआ है। तो टोटली ये जीरो इन्वेस्टमेंट पे बेस्ड है और मुझे खुशी है कि श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक ने सभी नवाचारी शिक्षकों को ये अवसर दिया कि हम सभी अपने नवाचारों को अन्य शिक्षकों के साथ ऑनलाइन साझा कर सकें और होपफुली हम सभी आगे मिलकर इस शिक्षा की गुणवत्ता को और ऊपर लेकर जाएंगे और इसको हम इम्प्रूव कर सकेंगे अपने नवाचारों के द्वारा। तो इसी के साथ अगर आप और भी YouTube वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे आप ZIII के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।
नमस्कार, मेरा नाम प्रतिभा सिंह है। मैं प्राथमिक विद्यालय मिश्र बाजार नगर क्षेत्र गाजीपुर में प्रधानाध्यापिका पद पर कार्यरत हूँ। मेरे नवाचार का नाम है खेल खेल में बच्चों को प्रीपोजिशन की जानकारी देना। फिफ्थ क्लास में एक चैप्टर है इन द जू, इसलिए मैंने विद्यालय को ही अपने कॉन्सेप्ट में जू बनाया है और बच्चों को एनिमल और बर्ड्स, बच्चे बड़े ही इंजॉयफुल तरीके से प्रीपोजिशन को इस तरीके से सीखे हैं और इसको मैं आपके नवाचार प्रदर्शनी के माध्यम से शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैं HDFC बैंक और श्री अरविंदो सोसाइटी को धन्यवाद देती हूँ। यदि मेरा नवाचार आप लोगों को पसंद आता है तो इसके लिए अच्छी रेटिंग दें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं नेहा जैन, सहायक अध्यापिका प्राथमिक विद्यालय कुआतला, ब्लॉक जखौरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। आज मैं आपके सामने अपना एक शून्य निवेश आधारित TLM प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं ये एक तितली का जो फिगर मैंने बनाया है कागज से, और इसमें सिर्फ इस TLM में गत्ते और कागज का और स्केच कलर का ही प्रयोग है। ये पूरी तरह शून्य निवेश पर आधारित है और सबसे अच्छी बात ये है कि ये गणित विषय की विषय वस्तु से आधारित है। अक्सर बच्चे गिनती तो याद कर लेते 1 2 3 4 5 6, लेकिन उन्हें ये पता नहीं रहता 5 पहले आएगा या 3 पहले आएगा, उनका क्रम क्या है। 3 पहले आएगा, 3 पूर्ववर्ती संख्या है, उसके बाद 4 आएगा जो कि अनुवर्ती संख्या है। तो उन्हें ये बात जो उनके दिमाग में अच्छी तरह वो सीख लें क्रम अंकों का,
एक पहले आता तो पूर्ववर्ती अनुवर्ती, इसमें उन्हें गिनती घटाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप देख सकते हैं मैंने एक तितली बनाई है और वहां मैंने ये ब्लॉक की है जहां से मैंने ये पट्टी डाली है। आप देखेंगे ये पट्टी हम जितनी गिनती हमें सिखानी है उतने लंबो उतनी लंबी रख सकते हैं और उतने सारे अंक आगे बढ़ा सकते हैं। ये मैंने 10 तक के अंक लिए हैं बच्चे कक्षा एक में 10 तक के अंकों की गिनती की गणना कर सके और पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याओं का उन्हें ज्ञान हो सके। तो इसमें खेल खेल में हम बच्चों को बोलेंगे कि दो के जो अंक दो है उसकी अनुवर्ती क्या आएगी। अगर वो इसे ऐसे खिसका के इस पर्ची को बताकर बताता है तीन तब वो जीत जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं बता पाता है और वो बताता है दो के बाद चार चार की पट्टी खींचता है या फिर वो एक बताता है तो वो गेम से बाहर हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरे बच्चे को बुलाएंगे और उससे पूछेंगे कि रॉ के पहले क्या आएगा, रॉ की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो वो पट्टी खिसकाएगा खेल खेल में और बताएगा आठ। और इसी तरह अगर हम उससे कहेंगे कि आठ के बाद अनुवर्ती संख्या क्या है तो वो हमें पट्टी यू खिसका के आगे बढ़ा के बताएगा नौ। ये पूरी तरह एक खेल खेल में आधारित पूर्ण निवेश पर आधारित TLM है जिसमें बच्चा गिनती अंकों की क्रम गणना के पूर्ववर्ती अनुवर्ती अक्सर गणित में सवाल भी होते हैं कि पांच का पूर्ववर्ती अंक क्या है या तीन का अनुवर्ती अंक क्या है। तो गिनती तो आती है उसे एक दो तीन चार, लेकिन पूर्ववर्ती अनुवर्ती की जो संकल्पना है तो वो नहीं समझ पाता। तो इस पट्टी को आगे पीछे खिसका के जो पहले वाला अंक होगा जो तीन के पहले आएगा वो पूर्ववर्ती और जो तीन के बाद आएगा पट्टी खिसकाने में वो चार यानी वो अनुवर्ती। तो ये मैंने गणित विषय की जो गिनती की संकल्पना है, जो बच्चे गिनती रटते हैं और गिनती सौ तक याद होती है लेकिन वो ये नहीं बता पाते 58 पहले आएगा या 57 पहले आएगा। अगर उनसे पूछा जाए कि 56 का पूर्ववर्ती क्या है, उन्हें गिनती आती है लेकिन वो नहीं बता पाएंगे। तो उस विषय वस्तु को अपना केंद्र बिंदु मानते हुए मैंने ये TLM तैयार किया है और इसे आकर्षक बनाने के लिए मैंने बच्चों को तितली बहुत अच्छी लगती है तो मैंने तितली के फिगर में ये गणनाओं का एक क्रम तैयार किया है। मुझे खुशी है कि ZIII ने मुझे अपना नवाचार प्रदर्शित करने का मौका दिया, साथ ही जो HDFC बैंक और अरबिंदो सोसाइटी है वो डिजिटल TLM एग्जीबिशन का आयोजन कर रहे हैं तो इसके लिए उनको बधाई। साथ ही अगर आपको मेरा नवाचार अच्छा लगे तो प्लीज रेटिंग अवश्य दें। धन्यवाद। Everyone, my name is V. Tamilmani, HM. I am from PUPS Damani Kambai, Paparettipetty Union, Dharmapuri District, Tamil Nadu. I am going to present my zero investment innovative idea. The name of my idea is Teaching Through Acting and the topic I chosen is about Kadayalu Vallalgal. The materials required for my idea are chart, sketch pens, thread, beads, scissors, amla, temple card made from thermocol, mullai plant, horse tie, peacock tie, cereals. My idea is very effective in teaching concept to the students. Details of the idea: method. Cut 7 crown shapes from the chart and write the names of Kadayalu Vallalgal and tell on the forehead of the students. Then ask them to play the role of Kadayalu Vallalgal according to the story. Now let us see the video about Kadayalu Vallalgal acted by my students. Nani yaar, nani yaar, unakku theriyuma, therindirundhal en perai solli paarama, mullaikku therinai koduthathu naane. அங்கவிக்கும் சங்கவிக்கும் தந்தையும் நானே. நானியாரு நானியாரு உனக்கு தெரியுமா, தெரிஞ்சிருந்தால் என் பெயர்
கொல்லிமலை புத்தருக்கு என் நாட்டையே பரிசாக வழங்கியவர் நானே. நானே இந்த நாட்டையே எடுத்துக்கொண்டேன். Students. For this things needed just color chalk pens, then model of the dice. These dice can be prepared by using chart itself. Description of the idea. First, teacher want to draw some checked box on the floor. Like that, teacher want to draw. In that, want to write the numbers according to the student level in a colorful manner. Each box containing only one number want to write. And then dice also want to prepare. In that also want to write the number like this. After that, teacher want to call one student coming forward as the student to throw the dice. After thrown, what the number came on the dice, that student that number want to find by jumping itself. This is one of the playway method to teach the numbers. Then another an activity. First we want to prepare like that. Then here teacher want to display the number one by one like this. In that want to ask a question also, what number it is, what number it is, like that want to ask. At the same time student want to tell the answer what the number is displaying here. Want to tell the number names correctly. Beneficiary of the idea. In my school, I conducted for first standard students. Even slow learners also coming forward to learn the number enthusiastically without any hesitation. By using playway method of teaching mathematics to avoid boring. Thanks to Samagra Shiksha of Tamil Nadu. Usually, I am participating in JETA program. JETA has given a good opportunity to express my ideas. I am very happy to say thanks for Sri Aurobindo Society and HDFC Bank have organized e-exhibition for us. If you like my zero investment innovative idea, please give it good rating. Thank you.
என்னுடைய பெயர் ஜே ஜோஸ்மின் டேசி. நான் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடி கல்வி மாவட்டத்தில் உள்ள ஆர்எஸ் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் பட்டதாரி ஆசிரியராக பணிபுரிகிறேன். இன்றைய நாளில் இந்த இ எக்ஸிபிஷனில் கலந்து கொள்ள வாய்ப்பளித்த ஸ்ரீ அரவிந்தா சொசைட்டிக்கும் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்கிற்கும் இஜட்ஐஐஇஐ மற்றும் சமக்ர சிக்ஷாவிற்கும் என்னுடைய முதற்கண் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கணிதம் என்பது மாணவர்களை பொறுத்தமட்டில் ஒரு கடினமான பாடமாக எண்ணுவார்கள். அவ்வாறு இல்லாமல் நம்ம எளிய டீச்சிங் பொருட்களை வைத்துக்கொண்டு அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கும் பொழுது அவர்கள் அதை மிகவும் எளிமையாகவும் எந்தவித பயமும் இல்லாமலும் நன்கு நல்ல முறையில் புரிந்து கொண்டும் படிப்பார்கள். நான் உதாரணத்திற்காக இன்று இயற்கணிதம் என்ற தலைப்பில் நடத்தும் பொழுது நான் என்னுடைய வகுப்பறையில் என்ன செய்வேன் என்பதை இந்த எக்ஸிபிஷனில் விளக்க உழைகிறேன். இன்றைய தலைப்பு இயற்கணிதம். இந்த இயற்கணிதத்தில் மாணவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது முதலில் மாறி மாறிலி. மாறி மாறிலி இந்த மாறி என்பது மதிப்புகள் மாறக்கூடியது. மாறி மதிப்புகள் மாறக்கூடியது. மதிப்புகள் மாறாதது மதிப்புகள் மாறாதது மாறிலி என்று கூறுவேன். இதை எவ்வாறு விளக்குவேன் என்றால், இப்பொழுது முதலில் மாறிலி என்றால் மாணவர்களிடம் கல்லை கொடுத்து மூன்று மூன்று கற்கள் எடுக்க சொன்னால், இரண்டு மாணவர்களை கூப்பிட்டு இந்த கற்களை கொடுத்து எடுக்க சொன்னால் இரண்டு பேருமே மூன்றை எடுப்பார்கள், மூன்று கற்களை எடுப்பார்கள். அப்பொழுது மூன்று என்று நான் சொல்லுவேன், மூன்று கற்களை எடுங்கள் என்றால் இருவருமே ஒரே அளவு ஒரே கற்களை எடுப்பார்கள். அப்போ மூன்று என்றால் இரண்டுமே மூன்று தான், ஒன்று இரண்டு மூன்று. மூன்று என்ற மதிப்பு மாறாதது. அப்பொழுது இந்த எண்கள் வந்து எப்பொழுதுமே என்ன செய்யாது, மாறாதது. அப்பொழுது மாறிலிகள் என்பது மதிப்புகள் மாறாதது. அதற்கு உதாரணம் எண்கள். எடுத்துக்காட்டு எண்கள். எண்கள் வந்து எப்பொழுதுமே மதிப்புகள் மாறாதது. ஐந்து என்றால் ஐந்து தான், பத்து என்றால் பத்து தான். அது யார் எடுத்தாலும் அது எண்கள் எண்களின் மதிப்புகள் என்ன செய்யாது, மாறாதது. அப்போ எண்கள் வந்து மாறிலி. மாறி என்பது மதிப்புகள் மாறக்கூடியது. அதே மாணவர்கள் என்ன செய்வேன் என்றால், உனக்கு எத்தனை கற்கள் தோணுகிறதோ எடு என்று கூறுவேன். ஒரு மாணவன் இப்படி எடுப்பான், ஒரு மாணவன் இப்படி எடுப்பான். நான் எண்ணிக்கை சொல்லவில்லை, எண்ணிக்கை சொல்லாமல் எடு என்று சொன்னால் இப்படி எடுப்பார்கள். அப்பொழுது அந்த எத்தனை என எக்ஸ் கல் அப்படின்னு நானாக சொன்னேன்னா அவங்க இப்படி எடுப்பாங்க. எடுத்தால் ஒரு மாணவன் அதிகமாக எடுத்திருப்பான், ஒரு மாணவன் குறைவாக எடுத்திருப்பான். அப்போ நான் சொன்ன எக்ஸ் கல், எக்ஸ் என்பது நீனா எடுன்னு சொல்கிறது தான் என்ன எக்ஸு. அப்போ இரண்டு பேரோட எண்ணிக்கை என்ன செய்கிறது, மாறுபடுகிறது. அப்போ மதிப்புகள் மாறிவிடுகிறது. அப்போ நம்மளாம் ஒரு எண்களை சொல்லாமல் நீனாக ஒன்றாக எடு என்றால் மதிப்புகள் என்ன செய்கிறது, மாறுகிறது. இந்த நீனாக எடு என்பது வந்து ஒரு எக்ஸ், அதனால் மதிப்பு எக்ஸாகவும் இருக்கலாம். நான் எண்கள் சொல்லாமல் சொல்லும் பொழுது அது எக்ஸ்களாகவும் இருக்கலாம், ஒய்களாகவும் இருக்கலாம், இஜட்களாகவும் இருக்கலாம். நம்மளது ஒரு எண்களை சொன்னால் மட்டும்தான் மதிப்புகள் மாறாமல் வரும். எண்ணை சொல்லாமல் நம்மளாக எடுக்க சொன்னால் அதன் மதிப்புகள் வந்து மாறுகிறது. அதற்கு பெயர் மாறி. அதை கணிதத்தில் நாங்கள் ஆங்கில எழுத்துக்கள் மூலம் குறிப்போம். ஆங்கில எழுத்துக்கள். அப்போ மதிப்புகள் மாறக்கூடியது மாறி, மதிப்புகள் மாறாதது மாறிலி என்ற கருத்து மாணவர்கள் மனதில் ஆழமாக புரிந்துவிடும். இதை பயன்படுத்தி கூட்டல், இந்த மாறி மாறிலி புரிந்தால்தான் அவர்கள் கூட்டல் செய்ய முடியும். கூட்டல் மூன்று எக்ஸையும் ஐந்து எக்ஸையும் கூட்டு
கூட்டுக என்ற ஒரு கணக்கை எடுத்துக்கொள்வோம். இங்கே எக்ஸ் என்பது இங்கேயும் எக்ஸ் இங்கேயும் எக்ஸ் ஒரே விதமான மாறி உள்ளது. அப்பொழுது ஒரே விதமான கல்லை கொடுப்பேன். கல்லை கொடுக்கும் பொழுது மூன்று எக்ஸ் ஒன்று, இப்போ இந்த கல்லை தான் நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்கணும்னா எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கணுங்க. அப்போ மூன்று எக்ஸ்னால் மூன்று, ஐந்து எக்ஸ்னால் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு. இப்போ மாணவர்களை எக்ஸை மறக்க சொல்லணும். எக்ஸுன்னா என்ன கல், மூணு எக்ஸையும் அஞ்சு எக்ஸையும் என்ன செய்யணும் கூட்டணும். மூணையும் அஞ்சையும் கூட்டு. இப்போ இங்கே என்ன இருக்குது, மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு, மூணு கல்லும் அஞ்சு கல்லும் சேர்ந்து என்னாச்சு எட்டு. கல் என்பது என்ன, இப்போ மூணு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு, இப்போ எத்தனை கல் கிடச்சிருச்சு, எட்டு கல் கிடச்சிருச்சு. அப்போ எட்டு எக்ஸ் என்பது இந்த கூட்டலில் முதல் கூட்டலில் என்ன செஞ்சுதான் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். அடுத்தது இரண்டாவது கணக்கு, மூன்று எக்ஸ் ப்ளஸ் இரண்டு ஒய் கமா நான்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் அஞ்சு ஒய் கூட்டு. இங்கு மாறி என்பது மாறுபட்டு வந்துடும், இரண்டு விதமான மாறிகளை வைத்து கூட்டல் என்பதை எவ்வாறு இது சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் என்றால், இரண்டு விதமான டீச்சிங் மெட்டீரியலை நம்ம எடுத்துக்கணும். இரண்டுமே இது வந்து நம்ம வீட்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய புளியினுடைய விதை, இது கல், இதை எடுத்துக்கணும். இந்த கல்லை வந்து நம்ம என்னென்னு வச்சுக்கணுமா எக்ஸு, இந்த புளி விதை புளிய மொத்தம் வந்து நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஒய்யின்னு வச்சுக்கணும். இப்போ மூணு எக்ஸ் இந்த கணக்கை எடுத்துக்கணும், மூணு எக்ஸ் இப்போதான் எக்ஸ் இரண்டு ஒய் இரண்டு ஒய். அதே போல் இங்கே என்ன இருக்குது, நான்கு எக்ஸ் நான்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் அஞ்சு ஒய் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு ஒய். இப்போ இது இரண்டையும் கூட்ட சொல்லும் பொழுது நம்ம எதை செய்வோம், தமிழிலேயே ஒரு பழமொழி இருக்குது, இனம் இனத்தோடு சேரும். அப்பொழுது என்ன செய்யணும், கல்லை கல்லோடு சேர்க்கணும், முத்தை முத்தோடு சேர்க்கணும், கல்லை கல்லோடு சேர்க்கணும், முத்தை முத்தோடு சேர்க்கணும். இப்போ கூட்டல் எப்படி வரும், இது ரெண்டையும் கூட்டினா என்ன ஆயிரும், ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு. கல்லுக்கு நம்ம என்னென்னு வச்சுருக்கோம் எக்ஸ்னு, அப்போ என்ன வந்துருச்சு, என்ன வந்துருச்சு ஏழு, ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு ஏழு. இதனுடைய விடை என்ன, ஏழு எக்ஸ் ப்ளஸ் இப்பொழுது புளிய முத்தை கூட்டணும், ரெண்டு ஒய் ப்ளஸ் அஞ்சு ஒய், இந்த ரெண்டு ஒய் ப்ளஸ் அஞ்சு ஒய்யை கூட்டணும், ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஐந்து ஆறு ஏழு. முத்தை என்னென்னு வச்சுக்கிட்டோம், ஒய்யின்னு வச்சுக்கிட்டோம். அப்போ இது என்ன வந்துடும், ஏழு ஒய் என்ற முறையில் எளிதாக இனம் இனத்தோடு சேரும் என்பதை பொறுத்து இந்த கற்கள் இந்த முத்துக்கள் இதை வைத்து நடத்தும் பொழுது அவங்க கூட்டலில் ஒரே விதமான மாறிகளை மாறி மாறியினுடைய கெழுக்களை கூட்ட வேண்டும் என்றதை புரிந்து கொள்வார்கள். இதே போல கழித்தல் பெருக்கல் வகுத்தல் போன்றவற்றை நாம் எளிதாக கூறலாம். இவ்வாறு நாம் இந்த டீச்சிங் பொருட்களை கொண்டு நடத்தும் பொழுது அவர்கள் கையிலேயே கொடுத்து நடத்தும் பொழுது அவர்கள் எளிதாகவும் புரிந்து கொள்வார்கள். அவர்கள் கையாண்டு இது பாடங்களை படிக்கும் பொழுது அவர்கள் மறப்பதற்கோ அதை கடினத்தை கடினம் என்று நினைப்பதற்கோ வாய்ப்புகள் இல்லை என்பதை பணிவுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இவ்வாறு இந்த முறையில்தான் என்னுடைய கணித கற்பித்தல் இருக்கும் என்பதை இங்கு பணிவுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த இ எக்ஸிபிஷனில் கலந்து கொள்ளவா எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த உங்கள் அனைவருக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
morning. Good morning, ma'am. This program is sponsored by Sri Aurobindo Society, HDFC Bank. Today, let us know the Riya's family. Okay? She here. She is Riya and she is 6 years old. How many years old? Six years old. She stays with her family, with their parents and grandparents. See, Riya's mother is Rani. What's her name? Rani. And Rani is a doctor. Is Rohit. Riya's father name is Rohit. And he is a teacher. And this Riya has their grandparents also. And her grandparent is Mallanna. And he is a farmer. What is he? Farmer. And this Mallanna's wife is She is Granny and she is very interested in gardening. Okay? She is very interested in gardening. Okay? Now you all tell me different kinds of professions. As Riya's father is teacher. Riya's mother is doctor. And can you tell what is your father? Employee. Then can you name different professions? Driver, policeman, teacher, fireman. Then poet. Farmer, pilot. Then can you name some more? Security guard, driver. Then Conductor. Very good, Shraganga. Conductor. Then, okay. Today, we learned many professions, right? Okay. Tomorrow, you had to learn and come different types of professions. Okay, children? Yes, ma'am. Okay, take care. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಇವತ್ತು 10 to 20 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 10 ಬೀಜಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 10ಕ್ಕೆ 1 ಸೇರಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 11. ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು 11 ಅನ್ನು? 1 1 11. ಹಾಗೆ ಜಾರುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. 10ಕ್ಕೆ 1 ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 11. 1 ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, 1 10 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 10ರ 1 ಕಟ್ಟು, 1 ಬಿಡಿ, 11 ಆಯಿತು. 11ಕ್ಕೆ 1 ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 12. ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ? 12, 1 2 12. ಅದೇ ರೀತಿ 12ಕ್ಕೆ 1 ಸೇರಿಸಿದರೆ 13 ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೆಯುವಂತಹ ಕ್ರಮ 13 ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೆಯುವಂತಹ ಕ್ರಮ 1 3 1 3. 3 ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, 1 ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 13. 13ಕ್ಕೆ 1 ಸೇರಿಸಿದರೆ 14. 14. ಜಾರುಪಟ್ಟಿ ಮಾಡೋಣ. ಬರೆಯುವಂತಹ ಕ್ರಮ 1 4. 1 ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, 4 ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. 14ಕ್ಕೆ 1 ಸೇರಿಸಿದರೆ 15 ಆಗುತ್ತೆ. 14ಕ್ಕೆ 1 ಸೇರಿಸಿದರೆ 15 ಆಗುತ್ತೆ. 5 ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, 1 ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಬರೆಯುವ ಕ್ರಮ 1 5 15. 15ಕ್ಕೆ 1 ಸೇರಿಸಿದರೆ 16. 1 6 16. 6 ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, 1 ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 17. 1 7 17. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 18. 1 ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ
ಒಂದು ಎಂಟು ಹದಿನೆಂಟು, ಹದಿನೆಂಟಕ್ಕೆ ಒಂದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು. ಬರೆಯುವಂತಹ ಕ್ರಮ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು. ಈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಬಿಡಿಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಬಿಡಿಗಳದ್ದು ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿದೆ, ಅದು ಹತ್ತರದ್ದು ಒಂದು ಕಟ್ಟು, ಈ ಹತ್ತು ಬಿಡಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹತ್ತರ ಕಟ್ಟನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡು ಹತ್ತುಗಳಾಗ್ತವೆ, ಎರಡು ಹತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು. ಎರಡು ಹತ್ತು ಅಂದ್ರೇನು, ಇಪ್ಪತ್ತು. ಬರೆಯುವ ಕ್ರಮ ಎರಡು ಸೊನ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ಶ್ರೀಮತಿ ಆಗುಚಿತ್ರಾಲ ಅಂತ. ನಾನು ಸಹಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಡೂರು ತಾಲೂಕಾಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಬಂದು ಹಾಗೇರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ. ಇದನ್ನು ಈ ಕನ್ನಡ ಪಾಠವನ್ನು ಒಂದನೇ ತರಗತಿಯ ಕನ್ನಡ ಪಾಠವನ್ನು ಅರವಿಂದೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳು ವರ್ಣಮಾಲೆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹತ್ತು ಹಂತಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರ ಗ ಸ ದ ಜ ವ ಮ ಬ ನ ಲ ಷ ಯು ಗ ಈ ತೆರನಾಗಿ ಹತ್ತು ಹಂತಗಳನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಮೈಲಿನಲ್ಲಿ ರ ಗ ಸ ದ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಧನಕಾಲಿರುತ್ತೆ, ಎರಡನೇ ಮೈಲಿನಲ್ಲಿ ಜ ವ ಮ ಬ ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಧನಕಾಲಗಳಿರುತ್ತೆ. ಈ ತೆರನಾಗಿ ಹತ್ತು ಮೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾಧನಕಾಲಗಳು ರಚನೆ ಆಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಚನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಬ್ದಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನಾ ಕಾರ್ಡಿನ ಪ್ರತಿ ಶಬ್ದದ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲಯ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲ ಐದು ಫ್ಲಾಶ್ ಕಾರ್ಡು, ಯ ಐದು ಫ್ಲಾಶ್ ಕಾರ್ಡು, ಕ ಐದು ಫ್ಲಾಶ್ ಕಾರ್ಡು, ಸ ಐದು ಫ್ಲಾಶ್ ಕಾರ್ಡು. ಈ ತರನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಐದು ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರನ ಐದೈದರಂತೆ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೂ ಇದೆ. ಈ ಹೂಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದು ಬಂದಿರೋದು ತರಗತಿ ಒಂದು, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಂಖ್ಯೆ. ಒಂದನೇದಾಗಿ ತರಗತಿ, ಮೈಲುಗಲ್ಲು ಸಂಖ್ಯೆ, ನಂತರ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಂಖ್ಯೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ಈ ಫ್ಲಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ಕಳೆದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಮಗು ಬಂದು ಅದೇ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಆ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಥರ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಮಗುವಿಗೆ ಕೂಡ ಅದು ಯಾವ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾ ಈ ರೀತಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತಯಾರಾಗ್ತದೆ ಆ ಮಗು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಫ್ಲಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಶಬ್ದ ರಚನೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಆ ಮಗು ಸರಳವಾಗಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಶಬ್ದ ರಚನೆಗಾಗಿನೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಜಿರಾಫೆ ಕಾರ್ಡ್. ಅದು ಪದಶಬ್ದ ಆಟದ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಶಬ್ದ ಒತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ರಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಈ ತರ ರಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಲಯ ಶಬ್ದ ಜೋಡಿಸಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಉತ್ತಲೇಖನ ಕೊಟ್ಟಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಮಗು ಇದನ್ನ ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರ್ಡನ್ನ ಕುಡುಕಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ಎ ಅನ್ನೋ ಕಾರ್ಡಿನ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಶಬ್ದವನ್ನ ಜೋಡಿಸುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಅವಾಗ ಆ ಮಗು ಲಯ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ತಲೆ ಒಳಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾರೆ ಲ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ತೆಗಿಬೇಕು ಮೊದಲು, ಲ ಯ ಎರಡು ಅಕ್ಷರ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಲಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಮಗು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಯ ಅನ್ನ ಶಬ್ದವನ್ನ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಂತರ ಸಲಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಸಲಗ ಅನ್ಬೇಕಾದ ಹೋ ಹಂಗಾರೆ ಸ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೋಬೇಕು, ನಂತರ ಲ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೋಬೇಕು, ನಂತರ ಗ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಶಬ್ದವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲು ಪಡ್ತೈತಿ. ಈ ರೀತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಗುವಿ ಶಬ್ದ ಜ್ಞಾನ ತನ್ನಿಂದಾನ ಬರ್ತೈತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಆ ಮಗು ಅಂತಂದಾಗ
ಈ ತರ ಫ್ಲಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಶಬ್ದ ರಚನೆ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅಕ್ಷರಗಳ ಜ್ಞಾನನು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ಶಬ್ದವನ್ನ ಹೇಗೆ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೂಡ ಆ ಮಗು ತಿಳ್ಕೊಳುತ್ತ. ಈಗ ಕಮಲ, ಕ ನಂತರ ಮ ಹುಡುಕುತ್ತ, ಆ ನಂತರ ಲವನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಳ್ತತಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಬ್ದ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಗು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತ. ಇದೇ ರೀತಿ ಶಬ್ದವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೆಂಗ ಕಮಲ ಊಟ ಮಾಡಿದಳು ಆತರ ಹೇಳಿದಾಗ. ಈಗ ಊಟ ಊಟ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದಂದ್ರ ಊಟ ಊಟದ ಸಮಯ. ಈ ತರ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ವಾಕ್ಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೂಡ ಮಗು ರಚಿಸಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತ. ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಕೂಡ ಈ ಇದ್ರೊಳಗ ಕಲಿತೀತಿ. ಈ ಶಬ್ದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತತಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಶಬ್ದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಆಗಿದೆ. मैं डॉक्टर अलका जैन शासकीय माध्यमिक कन्या शाला कटरा सागर में पदस्थ हूँ। मेरा पद माध्यमिक शिक्षक। मैंने विज्ञान विषय में कुछ नवाचार किए हैं जिसकी प्रस्तुति मैं कर रही हूँ। तो पहला नवाचार जो हमने किया है वह है भोजन के घटक। इसके बाद हमने जैसे बतलाया प्रोटीन, तो हमने ये सारी दालें इकट्ठी कर ली, छोटी छोटी सी पाउच बना लिए दालों के और बच्चों को बतलाए कि इस तरीके ये दालें राजमा सोयाबीन ये सारे प्रोटीन्स के स्रोत हैं और हमें ये बैलेंस डाइट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और ज़रूरी है। इसके बाद ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट के लिए भी हमने छोटे जो अपने दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं चीज़ों के छोटे छोटे पॉलीथिन में पाउच बना के बच्चों को दिखाए और बच्चों से बोला भी इकट्ठा करके लाओ और फिर उनको बतलाए, तो ये कार्बोहाइड्रेट के घटक हो गए। उसके बाद मिनरल्स में जैसे जो साधारण नमक है, सो आयोडीन नमक है, हरी पीली सब्जियां हैं, दूध है, कैल्शियम है, ये सारे मिनरल्स के घटक में आ गए। उसके बाद फैट में जो फैटी चीज़ें होती हैं जैसे बादाम दूध वाटर मूँगफली ये सारे हमने फैट्स में बतलाए। तो ऐसा बच्चों को एक ही उसमें बच्चों को इतना इंटरेस्ट भी आया इसको बना के खुद करके देखने में और बनाने में और ये बहुत इजीली उनको ये सारे याद भी हो गए कि कितने कंपोनेंट होते हैं, बैलेंस डाइट के लिए क्या ज़रूरी होता है, विटामिन्स की कौन सी बीमारियां होती हैं, कौन सी इम्पॉर्टेंट होते हैं। इससे बच्चों को ये इजीली हम नवाचार के माध्यम से समझा सकते हैं और सीख जाएंगे बच्चे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। और साथ ही बहुत इम्पोर्टेंट बात, अरविंदो सोसाइटी द्वारा HDFC बैंक एवं KII के द्वारा हम शिक्षकों को अपनी नवाचार गतिविधियां प्रस्तुत करने के लिए एक मंच दिया, उसके लिए धन्यवाद। Hello, good afternoon everyone. My name is Jamal Salam. I'm from Government UPS Mugia and RMSS Country School. So I'm here going to present my zero investment innovative idea. My idea is on motorcycle. So the material which I use in preparation for TLM, which is zero investment, is I use the calendar, the previous calendar, the unused calendar, I use the backside and the thermocol I asked from the people who sell fish in the market,
and the watercolor, I already have it at home and Fevicol. So my idea is very useful in teaching the concept of where does the water in the atmosphere come from and how is water available in a continuous manner. So let us understand this. In a very similar manner, water continuously disperses during the day from the various water bodies like the rivers, the lakes, the ocean, etc. to form the water vapors. And so the process where water changes from it is called as evaporation. But evaporation is nothing, not limited to these water bodies itself. Even the plants and animals also contribute the some amount of water vapors in the air. They might be wondering how plants and animals, when they respire, release some amount of vapors in the air. For example, like if we keep a glass plane and exhale air on it, we will find the surface moisture laden. This is because of respiration. And when plants release water in the form of vapors through the small openings in the leaves, we call this process as transpiration. The two processes in combination is called as evapotranspiration. This contributes to total moisture in the air. So these vapors are also light that is traveled high up in the air and combined with dust and smoke to form a cloud. They form a cloud to form this cloud droplet. So this droplet combined with each other and increase in size, so we can say it is a cloud. Clouds are nothing but visible mass of a liquid droplets. The process of a cloud formation takes place high up in the sky. The process of cloud droplets high up take place high up in the sky as the temperature there is much cooler. As compared to the one near the ground. Cloud can have droplets as well as crystal, but it depends on the temperature there. But these droplets, they are so tiny and light that it cannot fall, so they remain as a cloud. The water in the vapor form and converted to a liquid droplets, so we call this process as condensation. The tiny droplets combine with each other to form a large droplet. These layer droplets are so heavy and starts falling, and this atmospheric water then reach the land either in the form of rain or snow. We call this process of precipitation. Some water is collected in the rivers with ultimate drain into the sea. Some collect in the lakes or directly accumulate in the ocean. These are again through precipitation, they run off the soil, into the soil, the water, and infiltrate it under the ground, subsurface. So they accumulate. These are again exposed into evaporation. So the cycle continues. This water on the earth is continuously renewed and recharged by hydrological cycle, or we may say water cycle. This continuous circulation of water in various forms with the hydrosphere and atmosphere by the process of evaporation, condensation, and precipitation is termed as hydrological cycle. Yeah. So I think it's the student, if they have a strong imagination through this DLM, which is made by the Zero Investment Innovative Idea, if they have a strong imagination, they can clearly understand how the water in the atmosphere comes from and how the water available in a continuous manner. So
With this, I conclude my topic. So I thanks Desert has given us a good opportunity to show, present my idea. I'm very happy that our Bindo Society and HDFC Bank have started organizing e-exhibition for us. Thank you. Vishnupur Kanikeshwar Shaikya LP School, District Gulaghat, East Education Blog from Assam. Moi 2020 Jua 28 February para Marchor Duitar Kholoike Dillit Anushtita Hua National Research Innovation Award Program at Aungkha Grahan Korishilu Aru More Eti Horu Idea Juriyate Moi Innovation Award Pabuloi Khakkham Hoishilu আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ মোৰ আন এটা নতুন টিএলএম আগবঢ়াইছোঁ আৰু মোৰ টিএলএমটো হৈছে এইটো আৰু এই টিএলএমটো প্ৰস্তুত কৰোঁতে মই প্ৰথমে এটা পুৰা আৰ্ট পেপাৰ বৃত্তাকাৰত কাটি লৈছিলোঁ কটাৰ পাছত ইয়াত মই ৰামধেনুৰ সাতটা ৰং অনুযায়ী ৰং কৰিছিলোঁ আৰু ৰং কৰাৰ পাছত ইয়াক মই সপ্তাহৰ সাতবাৰৰ নামকেইটাও লিখি দিছিলোঁ ছানডে মনডে টিউজডে ৱেডনেছডে এনেদৰে লিখি দিছিলোঁ যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সপ্তাহৰ সাতবাৰৰ নামকেইটাও ভালদৰে জানিব পাৰে আৰু ইয়াৰ পিছত মই বেলেগ এখন আৰ্ট পেপাৰ ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ লগত সংলগ্ন কৰি ইয়েষ্টাৰডে ৱাজ Today is, tomorrow will be, এনেদৰে তিনিভাগ কৰি দিছিলোঁ যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে yesterday was, Saturday, but today is Sunday, tomorrow will be Monday, এনেদৰে ক'ব পাৰে আৰু আশা কৰিছোঁ মই মোৰ এই টিএলএমৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সপ্তাহৰ সাতবাৰৰ নাম জনাৰ উপৰিও ৰামধেনু ৰংকেইটাৰ নামো স্পষ্টকৈ জানিব পাৰিব আৰু এয়াই হৈছে মোৰ টিএলএম থেংক ইউ টু শ্ৰী অৰবিন্দ ছচাইটি জেড আই আই ই আই গ্ৰুপ এইচ ডি এফ চি বেংক পৰিৱৰ্তন ফৰ ইনভাইটিং মি টু এক্টিভেট মাই ইনোভেশ্যন আইডিয়া অন নেশ্যনেল প্লেটফৰ্ম নমস্কাৰ মাই চেল্ফ প্ৰতিমা চৰকাৰ আই এম ফ্ৰম ত্ৰিপুৰা কোৱাই ডিষ্ট্ৰিক্ট তেলিয়ামৰা ব্লক এণ্ড মাই স্কুল নেম ইজ তেলিয়ামৰা ইংলিছ মিডিয়াম হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল গাইজ টুডে আই এম শ্বেয়াৰিং উইথ ইউ হাউ টু মেক এ ৱৰ্ল্ড বেংক ফ্ৰম জিৰ' ইনভেষ্টমেণ্ট স্পেচিয়েলি ষ্টেণ্ডাৰ্ড 3 and 4 উইচ আই অলৰেডি শ্বুড এণ্ড ডিছকাছ উইথ মাই ষ্টুডেণ্টছ উইচ হেল্প দ্য ষ্টুডেণ্টছ টু লাৰ্ণ They are profit easily and nicely. So, look, I draw a picture of a flower and collect two cuff, pen, pencil, spoon, balloon, book, again I draw a picture of coronavirus. And hand sanitizer and two leaf which are available in our school and home then students are asked to see the activity book first and collect the appropriate letter from the letter box and put it in the gates students are able to collect letter U
and put it here. Through this above, students can learn spelling cuff and will able to fill up the blanks, and they can match between picture and complete word, which I have done with my students. I am thankful to ZIEI for helping us in doing so. Very glad to say that Sri Aurobindo Society and HDFC Bank have started organizing small exhibition for us. If you like my idea, then I really accept your feedback on it. Stay healthy, stay good. Thank you. Hello, my name is Choi Kim Sofum. I'm a primary teacher at Saraswati Upper Primary School under Sedio Kampung P, Manipur. First of all, I'm thankful to Sri Aurobindo Society for imparting us the training on zero investment innovations for education initiative, and in partnership with HDFC for supporting the initiative, and I got an opportunity to showcase my innovative idea, which helped me win a recognition on national platform for making my TLM. I use a waste chart paper, pencil, eraser, cutter, plastic thread, and last but not the least, pancho. What I use is all are what we have at home only, so it's zero investment. This is my TLM, parts of the plants, and this is my puzzle parts of the plants. I cut them in a different parts so that students have to put them together in a right order. Student will love to put them again and again. It's good for practice and their knowledge. And this is different parts of the plants. Student have to choose each part of a plant and identify the parts of a plant, and they have to describe. These are roots, different types of roots, tap roots and fibrous roots. It's more easy to understand the tap roots and fibrous root by drawing like this. So this is the part above the ground is called the soot. This is the soot part, and this is the root part. The part below the ground is called root. So this is the root part, and this is the soot part. TLM is helpful to make the education interesting and easier to the student. The TLM class make learning real, practical, fun for the children, and it also helps in bringing novelty and freshness in the classroom.
teaching as it relieves the student from anxiety. Hello everyone, I am Vidro Memsana. I am a teacher of Nauremthong Upper Primary School, Imphal West, Manipur. Today, I am going to present my zero investment innovative idea about the 5 cents of organs. I have already prepared my teaching aid for the teaching process of my 5 cents of organs. The materials that I have used for making my teaching aid are paper, pencil, eraser, glue, sticks, scissor, and color. So let us begin our teaching process. We have 5 cents organs. Number one is our eyes. Number two is our nose. Number three is our ears. Number four is our tongue. And number five is our skin. So, number one, our eyes. What do? With our eyes, we can see many beautiful things. With our eyes, we can see the whole world with our eyes. Number two is our nose. What do with our nose? We smell with our nose. We smell with our nose. Number three is our ears. What do with our ears? We hear with our ears. Can you hear the sound of my clap? Yes, that means we can hear with our ears. Number four is our tongue. Our tongue. What does our tongue do? Our tongue makes us taste. We can taste many delicious, yummy food with our tongue. And last, number five is our skin. So today, we have learned about our 5 cents of organs, that is our eyes, our nose, our ears, our tongue, and our skin. Lastly, I am very thankful to ZIIEI for giving us an opportunity to represent my zero investment innovative idea. I am also very glad to Sri Aurobindo Society and HDFC Bank for organizing e-exhibitions for us. Thank you. Hello everyone. My name is Lamavam Sonia Devi and I am a teacher of Nauremthong Upper Primary School, Imphal West, Manipur. Today, I am going to present a zero investment innovative idea about traffic light with the help of a model. The materials that I use for making this model are very easily available in each household, like paper, pencil box, colors, glue, scissor, and the bottle caps.
By using such materials, I made a model of traffic light like this. You see, in this model, you can see the three different colors, red, yellow, and green. This three color represents the traffic lights. Whenever you see in a traffic point like this, this means the red light is on, then it means stop. When the yellow light is on, then it means get ready to go. Likewise, when you see the green light is on, then it means go. So I believe that this kind of model helps me in teaching, and it will be very effective and interesting for the student when we use such model as TLM. And remember, let's obey the traffic rules. So I am very thankful to to ZIIEI for giving me this opportunity to present my idea, and I'm very happy that Sri Aurobindo Society and the ISTFC Bank for organizing e-exhibition for us. Please give good rating if you like my idea. Thank you. नमस्कार, मैं मंजुरी रेखा नाइन हायर सेकेंडरी स्कूल में सहकारी शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। मेरा स्कूल जो है वो मध्य गुवाहाटी की पलटन बाजार आसाम में है, और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से श्री अरविंदो सोसाइटी तथा एचडीएफसी परिवर्तन के सभी सदस्यजनों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी। हम लोगों को इस महामारी के समय ई एग्जीबिशन के जरिए अपने नवाचार को दिखाने का एक सुअवसर दिया है, इसलिए भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं बोलना चाहूँगी। आज मैं आप लोगों के समक्ष अपने तीन नवाचार लेके प्रस्तुत हूँ, और उन नवाचारों को आप लोगों के समक्ष दिखाने की कोशिश करूँगी। तो आइए नवाचार देखते हैं। मैंने ये एक नवाचार बनाया है, ये फेंकी हुई चीज़ों से बनाया है। ये शादी का कार्ड जिसमें रखते हैं एनवेलप, उसको लिया है, और उसमें मैंने संज्ञा को डाला है विषय के रूप में, और संज्ञा के भागों को इस प्रकार से मैंने लिया है। इसमें उदाहरण दिया है और इसमें परिभाषा दिया है। तो प्रत्येक भाग का उदाहरण और परिभाषा मैंने इस प्रकार से लिया है, ताकि बच्चे कक्षा में इस व्याकरण के टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर पाएँ, वो लोग उन लोगों को बहुत रोचक लगे और याद कर पाएँ। उसी प्रकार से मैंने ये आप लोगों को देखकर पता चल गया होगा ये क्या है। ये एक वर्ण मात्रा और संख्याओं का एक लूडो मैंने बनाया है। कुछ पत्थर मैंने रखे हैं, ये मुझे रास्ते में मिला था, तो इसको मैंने कलर कर लिया है, और इसमें मैंने व्यंजन वर्ण क ख ग घ ये सारी, उसके बाद स्वर वर्ण अ आ ई ई ये सारी, और मात्रा ये देख सकते हैं आ का आकर ईकर ईकर। तो उसी प्रकार से एक से दस तक मैंने संख्याओं को भी लिया है और कुछ चित्रों को भी लिया है। इस पत्थर के द्वारा बच्चे क्या करेंगे, ऐसे खेल सकते हैं, इस प्रकार से खेल सकते हैं। और एक मैंने ऐसा डिब्बा लिया है, इस डिब्बे को इस पेज से पेपर से मैंने रैप कर लिया है, और उसके बाद इसको खेलने लायक बना लिया है। जैसे कि इसको फेंकने के बाद चार निकला है, तो बच्चे चार घर चलेंगे। तो उसी प्रकार से बच्चे स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण मात्रा और संख्या को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। उसी प्रकार से मेरा और एक नवाचार है, ये मैंने माचिस बॉक्स से बनाया है इसको, और ये क्या है आप लोग देख के समझ गए होंगे, ये फेंकी हुई चीज़ है। ये अंडे का प्लेट से मैंने फ्लावर्स बनाया है, और इसमें रंग डाले हैं, और बच्चों से ये मैंने जो ऐसे रखे हुए कागज़ होते हैं परीक्षा के बाद, कुछ कागज़
बच जाता है, तो उसको कट करके मैंने उन लोगों को ये चित्र बनाने के लिए दिया है, और चित्र द्वारा वो लोग समझ जाते हैं कि इसमें क्या है। जैसे कि मैंने पर्यायवाची शब्द लिया है विषय के रूप में, और जैसे कि सूर्य, सूर्य इसका पर्यायवाची मतलब समान अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द बोला जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ सूर्य का पिक्चर बनाया बनवा लिया है, और उसके बाद नंबर टू भी दिया है ताकि बच्चे उल्टा पुल्टा ना करें और सही जगह में रखें। उसके बाद उसकी जो नाम है अलग नाम, सूर्य, रवि, भानु, भास्कर, दिनेश, दिनकर, दिवाकर, सूरज, इस प्रकार से मैंने इनका नाम रखा है। उसी प्रकार से मैंने यहाँ ये पिक्चर देख के समझ गए होंगे आप लोग ये क्या है, चांद है, तो इसमें मैंने ये सारी चीजें नामों को मैंने रखा है, मयंक, चांद, चंद्रमा, शशि, हिमांशु, राकेश। तो आप लोगों ने गौर किया होगा कि मैंने कुछ नामों को ज़्यादा यहाँ लिया है जो सुनी सुनाई नाम है, क्योंकि बच्चे जो है वो क्या होते हैं, ज़्यादा अगर हम लोग कुछ चीज़ से जो वो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं उस चीज़ से रिलेट कर पाते हैं, तो बच्चे बहुत जल्दी से कुछ भी सीख सकते हैं। और मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये जो टी नवाचार है बहुत अच्छा लगा होगा, और तहे दिल से आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी। Hello everyone, my name is Mr. Manoj Kalai and I am from Emmanuel English School, Sinaikami Ampinagar, Gometi, Tripura. So I am going to start on the topic based on states of matter. States of matter is a content which is solid, liquid and gas. So here are the material I am going to use. Solid as a biscuit, this is solid. And next is a glass of water as a liquid. This is liquid. And next is this is gas, which I intake and inhale of breathing. So on this topic base, the materials required here is biscuit as a solid material, glass of water as liquid, then breathing inhale, that is example of gas, and here is gas which is compact inside the balloon as air. So these are the material which I'm using for zero investment innovative idea. So as per my knowledge, I'm very much I hope this idea is very effective and is very useful and beneficial in teaching on the topic of states of matter. So I'm very much thankful to ZIIEI that this platform has given a good opportunity to show and exhibit and present my idea. I'm very much happy to Sri Aurobindo Society and HDFC Bank who have started and organized this exhibition for us. If you like my innovative idea, please give it good rating. Thank you.